हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मेड इजी। आई होप आप सब अपने अपने घरों पे होंगे, सेफ होंगे, और जो जिसकी जैसे हेल्प कर सकता होगा प्लीज़ करिएगा। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सो दिस वीडियो इज़ अ गाइडेंस फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। हियर वी विल नो अबाउट द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ कि क्लास 9 में केमिस्ट्री में अपन को क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने हैं। एक्चुअली दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, वी ऑल आर हैंडलिंग पैंडेमिक। ऐसे में स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, बिकॉज पहले तो घर पे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने का मन नहीं करता, और ऊपर से इतने केसेस निकल रहे हैं, रोज़ नई नई न्यूज़ आ जाती है, कहीं इतने केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं फैमिली में किसी को कोई केस हो गया, इस तरीके से तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही हैं। सो एज़ अ टीचर इट्स माई ड्यूटी कि मेरे से जो भी हेल्प हो सके किसी भी स्टूडेंट के लिए, आई शुड डू दैट। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर अप दैट केमिस्ट्री क्लास 9th में क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या टॉपिक हैं, कि क्लास 9th में केमिस्ट्री में बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यही कवर करेंगे। सो सबसे पहला चैप्टर है हमारा द मैटर इन आर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों वीडियोज़ अपलोडेड हैं। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में इंटरचेंज कैसे होती हैं, इसके बारे में। एवेपोरेशन पढ़ेंगे कि जो वाटर है वो एवेपोरेट कैसे होता है, फिर बारिश कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। वाटर वेपर इन द एयर, इसकी स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अपना इस मैटर अराउंड इस प्योर। यहाँ पे हमने फिज़िकल नेचर पढ़ना है मैटर का, और यहाँ पे हमें पढ़ना है मैटर का केमिकल नेचर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मिक्सचर, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, कोलोइड्स टूवर्ड्स अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी कि जो मिक्सचर है उनमें से, मिक्सचर क्या होता है, अलग अलग चीज़ों से मिलता है ना, तो उन चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट कैसे करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी टाउन वाटर सप्लाई, यानी कि जो घर में पानी आता है वो कैसे प्योर करना है, कैसे साफ़ करना है, ये सारी चीज़ें। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि अपने आसपास जो भी मैटर बना है वो किससे बना है, कैसे बना है, मतलब उन एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो आपस में किस तरीके से कंबाइन होते हैं। थ्योरीज कि साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी हैं एटम्स के बारे में, एटॉमिक सिंबल्स, मास, मॉलिक्यूलर एंड देयर केमिकल फॉर्मूला, आयन एंड आयनिक कंपाउंड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिर लास्ट चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनके बारे में जो भी नॉलेज है, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं इनके, वो सब कुछ पढ़ेंगे, किस साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या क्या कहा, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो समरी मिली ही होगी कि क्लास 9 में केमिस्ट्री में हमें क्या क्या कवर करना है। बहुत ही जल्दी बायोलॉजी और फिजिक्स के भी वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।